वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सेफ एंड साउंड एट होम। तो आज मैं आपको सुबह सुबह ही, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और मैं आपको घुमाने के लिए लेके आई हूँ अपने ऋषिकेश की एक और फेमस जगह पर। अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही है तो सुनिए, ये आवाज़ है माँ गंगा की और हम हैं जानकी सेतु पे। आपको पीछे पूरा पुल नज़र आ रहा होगा। तो आज मैं आपको अपने साथ जानकी सेतु घुमाने वाली हूँ। तो वीडियो पर पूरा बनी रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चलिए। यहाँ से आपको वो जो उधर दिखाई दे रहा है, एकदम उस पॉइंट पे उधर है परमार्थ निकेतन, और परमार्थ निकेतन की आरती काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपने उसके बारे में सुना ही होगा। यहाँ का एरिया सुबह सुबह के टाइम पे एक्सप्लोर करना बहुत सही रहता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा कम रहती है। पर अगर आप सीज़न में आ रहे हो तो भीड़ आपको मिलेगी थोड़ी बहुत, तो हमको भी थोड़ी सी भीड़ मिली थी। लोग घाट पे काफ़ी नहा रहे थे, और लेकिन पुल इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था सुबह के टाइम पे, और व्यूज़ तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं सुबह। आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा यहाँ देख के। इस पुल से ठीक उस पार आपको लक्ष्मण झूला नज़र आ रहा होगा, अगर मेरी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है। और पुल में बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा चल रही है। एक चीज मुझे दिखाओ, एक तरफ इधर का घाट देखो और एक तरफ उधर का घाट देखो। किधर का? इधर देखो, इधर ये जो सारी पेंटिंग्स आपको दिख रही है, आगे आपको बजरंग बली जी की पेंटिंग दिख रही होगी, और पीछे मैंने आपको श्री राम जी की पेंटिंग दिखाई। ये सारी पेंटिंग दोबारा बनी है, पहले यहाँ पे कोई और पेंटिंग थी बजरंग बली की, लेकिन अब काफ़ी चेंज कर दी है। यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन दी है, राम झूला 600 किलोमीटर, भूतनाथ मंदिर 1.7 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला 2.6 किलोमीटर, नीलकंठ 25 किलोमीटर, बैराज 10 किलोमीटर, हरिद्वार 30 और कोटद्वार 94, नीलकंठ महादेव मंदिर 25 किलोमीटर। और यहीं से हमने अपनी नीलकंठ महादेव की यात्रा करी थी, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहिए तो देख सकते। जो आपको घाट नज़र आ रहा है, ये है परमार्थ का घाट, और भीड़ अभी भी आप देख सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे का, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखो बाबा अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ सारी पेंटिंग्स बनी है ऊपर छत में भी, दिखा दी। ये सामने आपको आश्रम दिख रहे हैं, और ऐसे ही आपको बहुत सारे आश्रम पूरे लक्ष्मण झूला राम झूला में। इधर चलो जरा, मैं आपको सीतापुर का एक पूरा व्यू देती हूँ साइड से। ये मैं धूप पुल के दूसरी बार खड़ी हूँ, और यहाँ पर सीता माता और लवकुश की पूरा चित्र बना हुआ है। ये आपको पूरा पीछे सीतापुल नजर आ रहा है। Thank you.
तो गाइज ये पुल क्रॉस करने के बाद हम हैं राइट साइड, जहाँ पे से पूरा पुल दिखाई देता है, आपको पूरा पुल सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये वाली साइड है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए, यहाँ पे से पूरा पुल साथ में आता है और आपकी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाली है। तो ये वाला साइड आप फ़ोटो खींचने के लिए आ सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, विज़िट नहीं करते हैं, तो ये वाला साइड ज़्यादा अच्छा रहेगा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए, एक्सप्लोर करने। पुल को सीधा पार करते हुए और सामने ही यहाँ पे है श्री वेद निकेतन धाम, ये काफ़ी बड़ा आश्रम है और यहाँ आपको काफ़ी सारे आश्रम मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, होटल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन सीज़न पे ये दिक्कत होती है कि होटल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बहुत सारे टी स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे और देवभूमि की ब्यूटी ही है कि यहाँ भगवा रंग आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, चाहे वो हमारे ऋषियों के तन पे हो या यहाँ किसी भी बिल्डिंग का रंग हो, ज़्यादातर भगवा रंग ही है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपके लिए परमार्थ निकेतन का एक पार्ट लेके आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।